शमशेर एक बेहतरीन बावर्ची था। वो अपना काम बहुत मेहनत से करता था, लेकिन फिर भी वो अपने परिवार के सभी सदस्यों का पेट नहीं भर पा रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि शमशेर का परिवार बहुत बड़ा था। परिवार में उसके बूढ़े माँ बाप, पत्नी कम्मो और 3 बच्चे थे। इसके अलावा शमशेर का बड़ा भाई सतवीर और उसके बीवी बच्चे भी साथ ही रहते थे। घर में कमाने वाला अकेला शमशेर ही था, क्योंकि शमशेर के पिता अपनी बीमारी के चलते बिस्तर पर थे और बड़ा भाई सतवीर एक नंबर का निकम्मा था। भैया उठो, चलो मेरे साथ। सुना है नुक्कड़ वाले ढाबे में रसोई की जगह खाली है। ढाबे के मालिक से मेरी अच्छी बनती है, मैं वहाँ आपकी बात करवा देता हूँ, आपको वहाँ जरूर काम मिल जाएगा। मैं तुझे रसोईया दिखाई देता हूँ क्या है? और वो भी उस खड़ूस रामलाल के ढाबे पर। तुझे पता है ना मेरा 36 का आंकड़ा है उससे। उफ़ो भैया, ऐसा सोचोगे तो फिर मिल गई आपको नौकरी। हाँ तो नौकरी करनी किसे, मैं तो पैदा ही मालिक बनकर हुआ था। सुन मेरी बात, तू भी ये होटल में खाना बनाने का काम छोड़ और चल, दोनों भाई मिलकर नया ढाबा खोलते हैं। 2-4 कारीगर रख लेंगे जो सारा दिन खाना बनाएंगे और ग्राहकों को खिलाएंगे भी। अच्छा, और हम क्या करेंगे? नोट गिनेंगे और क्या। सच में शमशेर, तू ना बड़ा ही बुद्धू है भाई। मैं बुद्धू ही सही भैया, पर आपकी तरह फेंकू नहीं हूँ। नया ढाबा खोलने की बात करते हो, जरा ये तो बताओ इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, और कारीगर वो क्या मुफ्त में काम करेंगे हमारे लिए? और तू इस सब की चिंता मत कर, मैंने सब सोच लिया है। और सच बताऊं तो नया ढाबा खोलने की तैयारी भी शुरू कर दी है मैंने। है? क्या क्या मतलब? मुझे सब साफ साफ बताइए, जल्दी बताइए। अरे वो अपने गांव की जो पुश्तैनी जमीन थी ना, मैंने उसका सौदा पक्का कर दिया है। अगले हफ्ते तक पूरे पैसे मिल जाएंगे, उसके बाद कागजी कार्रवाई, बस फिर समझ ले कि खुल गया अपना ढाबा। हाय रब्बा, ये क्या कर दिया भैया, ले दे के एक वही जमीन तो थी अपने पास और आपने उसे भी बेच दिया। कम से कम एक बार मुझसे तो पूछ लेते। ओए तू चुप कर, ये मत भूल कि बड़ा भाई हूँ मैं। पुश्तैनी जमीन का क्या करना है और क्या नहीं, ये मैं तय करूंगा, तू नहीं, समझा? और हाँ एक बात और सुन ले, नए ढाबे में हिस्सेदारी चाहिए तो चुपचाप मेरी मदद करने आ जाइयो, वरना एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुझे, याद रख। सतवीर ने शमशेर के सामने कोई रास्ता नहीं छोड़ा, मजबूर होकर उसे सतवीर की बात माननी ही पड़ी और कुछ ही दिनों के अंदर दोनों भाइयों ने मिलकर नया ढाबा खोल लिया। हालांकि जमीन बेचकर सिर्फ ढाबा ही शुरू हो पाया, कारीगरों को नौकरी पर रखने लायक पैसे अब भी नहीं थे। भैया कोई बात नहीं, हम मिलकर खाना बनाएंगे, आप देखना अपना ढाबा बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन दोनों अगर खाना बनाने में ही लग जाएंगे तो गल्ला कौन संभालेगा? तू अंदर का काम संभाल और मैं गल्ला संभालता हूँ। और ऐसा कर, कम्मो को भी बुला ले घर से, मेरी मदद कर देगी। शमशेर ने सतवीर को कुछ नहीं कहा और चुपचाप खाना बनाने लगा। उसकी पत्नी कम्मो और उसके बच्चे भी उसकी मदद करने लगे। जैसा कि शमशेर ने कहा था, उसने बड़े ही प्यार से खाना बनाया और अपने ग्राहकों को परोसा। खाने का स्वाद और शमशेर का अच्छा बर्ताव लोगों को बहुत पसंद आ रहा था। भाई वाह, मान गए भैया मान गए, खाना तो वाकई बहुत बढ़िया है, कहीं कोई कमी नहीं है और बहुत ही बढ़िया। अब से जब भी यहाँ से गुजरेंगे खाना आपके हाथों का ही खाएंगे, बाय गॉड। जी आपका हमेशा स्वागत है। बहुत ही कम समय में ढाबा बढ़िया चलने लगा, हालांकि इसके पीछे सिर्फ शमशेर की ही मेहनत थी। उसका बड़ा भाई सतवीर तो सारा दिन गल्ले पर बैठा सुस्ताता रहता था। शमशेर को ये सब खलता जरूर था, लेकिन उसने लड़ाई के डर से कभी कुछ नहीं कहा। फिर एक दिन, ए शमशेर चल भाई काम समेट ले, अब ढाबा बंद करते हैं। नहीं भैया, अभी ज्यादा अंधेरा नहीं हुआ है, शहर से आखिरी बस आने ही वाली होगी। वो बस सीधे दिल्ली से आती है तो उसमें कई सवारियां होंगी, तो उन्हें खिलाकर ही चलेंगे। क्या बकवास कर रहा है, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। तू ऐसा कर, मुझे घर के लिए खाना बांध कर दे दे, मैं तो जा रहा हूँ, तू आते रहना जब आना हो। शमशेर ऐसा ही करता है, सतवीर खाना लेकर घर चला जाता है। फिर थोड़ी देर में दिल्ली से आने वाली वो आखिरी बस ढाबे पर आकर रुकती है, जिसका असल में शमशेर इंतजार कर रहा था। बस से उतर कर काफी ग्राहक ढाबे पर खाना खाते हैं और फिर वापस बस में चढ़ जाते हैं। उनके जाते ही शमशेर ढाबा बंद करने लगता है। तभी एक बाबा अपने 2 चेलों के साथ शमशेर के पास आते हैं और उससे कहते हैं, बेटा कुछ खिला दे हम भूखों को, भगवान तुझे इसका इनाम जरूर देगा। बाबा को देखकर साफ पता चल रहा था कि उनके पास खाने के बदले देने के लिए पैसे नहीं हैं। लेकिन फिर भी शमशेर ने उन्हें खाना खिलाने का फैसला किया। उसने जैसे ही खाना परोसने के लिए बर्तन खोला तो देखा कि खाना तो बहुत कम ही बचा था। अरे ये तो बस कम्मो और बच्चों के लायक ही है, लेकिन बाबा इन्हें भी तो भूखा नहीं छोड़ सकता। काफी सोचने और समझने के बाद आखिरकार शमशेर तय कर लेता है कि वो बूढ़े बाबा और उनके दोनों चेलों का पेट भरेगा, अपने परिवार का नहीं। वो खाना परोसकर उन बूढ़े बाबा को दे देता है। तभी कम्मो वहाँ आ जाती है और खाने के बर्तन को पूरा खाली देखकर शमशेर से कहती है, ये क्या किया आपने, थोड़ा सा भी खाना नहीं बचाया। आप और मैं तो रह लेंगे बिना खाए, पर बच्चे वो कैसे रहेंगे भूखे।
अब कोई बात नहीं कमो, भैया ढाबे से खाना लेकर गए थे, कुछ तो बचा होगा, घर जाकर वही खिला देना बच्चों को। कैसी बातें करते हो जी, घर पर इतने लोग हैं खाने वाले, तो क्या आपको लगता है खाना बचा होगा? अब क्या करेंगे जी, बच्चे शाम से भूखे हैं, उन्हें क्या कहूँ मैं। कमो की बात सुनकर शमशेर को एहसास हुआ कि उससे वाकई गलती हो गई, उसे सारा खाना इस तरह खत्म नहीं करना चाहिए था, पर अब वो कुछ नहीं कर सकता था। फिर से कुछ पकाने के लिए राशन नहीं था और रात भी हो चुकी थी, इसलिए बाजार से राशन लाना भी मुमकिन नहीं था। अपने बच्चों के भूखे चेहरों के बारे में सोचकर शमशेर की आंखों में आंसू आ गए। पास ही बैठे बूढ़े बाबा शमशेर का दिया हुआ खाना खाते हुए सब कुछ सुन और देख रहे थे। खाना खत्म करने के बाद वो शमशेर के पास गए और उससे बोले, जुग जुग जियो बेटा, उदास मत हो, तुम्हें अपनी नेकी का इनाम जरूर मिलेगा। इतना कहकर बाबा ने शमशेर के खाना पकाने वाले बर्तन पर अपना हाथ रखा और कुछ मंत्र पढ़ने लगे। फिर उन्होंने शमशेर से उस बर्तन पर हाथ रखने को कहा। शमशेर को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने बर्तन पर हाथ रख दिया। इसके बाद, जब तुमने इतनों का पेट भरा है तो तुम्हारे बच्चे भूखे कैसे रह सकते हैं? इस बर्तन को खोलो। बाबा के कहने पर शमशेर ने जैसे ही बर्तन के ऊपर का ढक्कन हटाया तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। बर्तन खाने से पूरी तरह भरा हुआ था। बाबा, ये कैसा चमत्कार है? नहीं, ये चमत्कार नहीं बल्कि आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। अब से ये बर्तन हमेशा तुम्हारा कहा मानेगा। तुम इस पर हाथ रखोगे तो ये खुद ब खुद खाने से भर जाएगा, और जब तक तुम इसके ऊपर फिर से हाथ रखकर इसे रुकने को नहीं कहोगे, इसके अंदर का खाना कभी खत्म नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, आप नहीं जानते आपने कितनी बड़ी मदद की है मेरी। मदद तो तुम करते आए हो, मैंने देखा तुमने उस बस से उतरे मेरे जैसे कई लोगों को मुफ्त में खाना खिलाया, जिनके पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं थे, बावजूद इसके कि खुद तुम्हारा परिवार भूखा था। बस इसी तरह हमेशा जरूरतमंदों की मदद करते रहना बेटा, और ये जादुई बर्तन हमेशा तुम्हारा साथ देता रहेगा। पर हां, याद रहे, अगर कभी मन को लालच घेरे या फिर किसी को धोखा दिया तो ये बर्तन कभी तुम्हारा साथ नहीं देगा। जी बाबा जी, मैं समझ गया कि मुझे अब क्या करना है। शमशेर को आशीर्वाद देकर वो बाबा अपने चेलों के साथ वहां से चले गए। वास्तव में उस जादुई बर्तन ने शमशेर की जिंदगी बदल दी। अब उसे सारा दिन भट्टी के सामने खाना पकाने की जरूरत नहीं थी, उसके हाथ रखते ही वो बर्तन लजीज खाने से भर जाता था, और जब तक शमशेर उसके ऊपर वापस से हाथ रखकर रुकने को ना कहे, खाना खत्म ही नहीं होता था। शमशेर हर रोज सबसे पहले अपने सभी ग्राहकों को भरपेट खाना खिलाता और फिर हर रोज शाम के वक्त कई गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाता था। लेकिन ऐसा तब तक ही चल सका जब तक उस जादुई बर्तन के बारे में सतवीर को पता नहीं चला। अच्छा, तो ये बात है, इसे क्या लगा, ये नहीं बताएगा तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? ये जादुई बर्तन इसके पास नहीं होना चाहिए, इस बेवकूफ को क्या पता इसका सही इस्तेमाल कैसे करना है। सतवीर ने बड़ी चालाकी से शमशेर को किसी काम के बहाने घर भेज दिया। शमशेर ने जाने से पहले बर्तन के ऊपर हाथ रखकर उसे रुकने का इशारा कर दिया था। फिर उसके वहां से जाते ही सतवीर ने सबसे पहले तो इस जादुई बर्तन को पूरी तरह खाली किया और फिर उसमें एक सोने का सिक्का डाल दिया। फिर उस बर्तन को बंद करके उसके ऊपर हाथ रख दिया। सतवीर को उम्मीद थी कि वो बर्तन खाने की तरह ही सोने के सिक्कों से भी भर जाएगा, लेकिन ये सिर्फ उसकी सोच थी। ये क्या, इसमें तो मेरा सिक्का भी नहीं है, ये तो धोखा है। शमशेर ने गुस्से में उस बर्तन को जमीन पर दे मारा, जिसके बाद उस बर्तन के टुकड़े टुकड़े हो गए। तब तक वहां शमशेर भी आ पहुंचा। बर्तन को टूटा हुआ देखकर वो सब कुछ समझ गया। शमशेर को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने सब्र से काम लिया। उसने सतवीर से कुछ नहीं कहा, बल्कि उसी वक्त उसने सतवीर से अलग होने का फैसला कर लिया। सतवीर ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस बार शमशेर जिद पर अड़ गया। वो अपने बीवी बच्चों और माता पिता को लेकर सतवीर से अलग रहने लगा, और तब जाकर सतवीर को एहसास हुआ शमशेर की अहमियत का भी और मेहनती होने की जरूरत का भी। ये कहानी है नीरज की, जिसके पिता इस दुनिया में नहीं थे और नीरज पढ़ा लिखा भी नहीं था, इसीलिए वो एक ढाबा चलाकर अपना और अपनी माँ का गुजारा चला रहा था। नीरज की माँ लीला भी ढाबा चलाने में उसकी मदद किया करती थी। नीरज, चूल्हा जलाने को एक भी लकड़ी नहीं बची है,
मैं खाना कैसे बनाऊं? परेशान मत हो माँ, मैं अभी जंगल जाता हूँ और ढेर सारी लकड़ियां काट कर ले आता हूँ, फिर दोनों मिलकर फटाफट खाना बना लेंगे। नीरज फौरन अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ चला गया। नीरज के ढाबे पर हर रोज गांव के कई लोग खाना खाने आते थे, लेकिन फिर भी नीरज की कमाई बहुत ज्यादा नहीं थी, क्योंकि गांव में कमाई से ज्यादा लागत थी। यही वजह थी कि उसे चूल्हा जलाने के लिए जंगल से लकड़ियां काट कर लानी पड़ती थी। अब हाँ, इस पेड़ पर काफी लकड़ी है, इसी से शुरू करता हूँ। आह आह, मेरे पंख, कोई बचाओ, कोई है, कोई तो मेरी मदद कर दो। अरे, ये आवाज तो किसी लड़की की लगती है, लगता है किसी मुसीबत में है, मुझे देखना चाहिए। नीरज उस आवाज की तरफ गया। उसने देखा कि वहाँ पर एक परी जैसी दिखने वाली लड़की थी, जिसके पंख कांटों भरी झाड़ी में फंसे हुए थे। ये देखो, क्या शौक चढ़ा था तुम्हें ये परी वाले कपड़े पहनकर यहाँ जंगल में घूमने का? देखो, फालतू की मुसीबत मोल ले ली ना। रुको, मैं अभी इन नकली पंखों को काटकर तुम्हें इन झाड़ियों से अलग करता हूँ। नहीं, मेरे पंखों को हाथ भी मत लगाना तुम, ये नकली नहीं है, ये मेरे असली पंख हैं और मैं एक असली परी हूँ। उस परी की बात सुनकर नीरज चौंक गया। गौर से देखने पर उसे एहसास हुआ कि वो पंख वाकई असली थे, क्योंकि कांटों में फंसे होने की वजह से उनसे काफी खून बह रहा था। ठीक है, मैं समझ गया, मैं तुम्हारे पंखों को नहीं काटूंगा, पर देखो, मुझे तुम्हारी मदद तो करनी ही होगी, मेरा भरोसा करो, मैं सिर्फ झाड़ियों को काटने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? उस परी ने नीरज पर भरोसा किया और फिर नीरज ने बड़े ही ध्यान से उन सारी कटीली झाड़ियों को काट दिया। अब वो परी आजाद थी, लेकिन उसके पंख बुरी तरह से घायल थे। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया, मेरा नाम नीलम है और मैं परीलोक से यहाँ तुम्हारी दुनिया देखने आई थी, पर पता नहीं कैसे यहाँ फंस गई। मेरा नाम नीरज है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तो अब तुम अपने परीलोक वापस चली जाओगी ना? मैं चाहूँ तो भी नहीं जा सकती जब तक मेरे पंख बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते। मुझे यहाँ तुम्हारी दुनिया में ही रहना होगा। क्या तुम मुझे कोई सुरक्षित जगह बता सकते हो जहाँ मैं रह सकूँ? तुम मेरे घर पर रह सकती हो, मेरे साथ मेरी माँ भी रहती है, हम दोनों मिलकर अपने घर के बाहर ही एक ढाबा चलाते हैं। बस मैं थोड़ी सी लकड़ियाँ काट लूँ, फिर हम चलते हैं। पर लकड़ियाँ तो तुम काट चुके हो, वो देखो। नीरज ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ लकड़ियों का एक मोटा गट्ठर रखा हुआ था, जिसे देखते ही नीरज समझ गया कि असल में ये नीलम का जादू ही था। तो तुम जादू भी कर सकती हो, पर एक बात बताओ, तुमने खुद को आजाद करने के लिए जादू का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, और अभी भी तुम अपने पंखों को जादू से ठीक क्यों नहीं कर लेती? क्योंकि हम परियां सिर्फ दूसरों की मदद के लिए ही अपने जादू का इस्तेमाल कर सकती हैं, खुद के लिए नहीं। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो, मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी माँ के पास तुम्हारे पंखों को जल्दी से जल्दी ठीक करने का कोई ना कोई नुस्खा जरूर होगा। नीरज उस परी को लेकर अपने घर पहुंचा और फिर अपनी माँ को उसके बारे में सब कुछ बताया। तुम बिल्कुल चिंता मत करो बेटी, मैं अभी कुछ जड़ी बूटियों को मिलाकर एक लेप बना देती हूँ, उसके इस्तेमाल से तुम्हारे पंख कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। शुक्रिया माँ जी। लीला के बनाए जड़ी बूटी के लेप से नीलम के पंख बहुत तेजी से ठीक होने लगे, लेकिन नीरज के हालात हर बीतते दिन के साथ और भी खराब होते जा रहे थे। ये कैसी दाल मखनी है भाई, है? मक्खन का तो नामो निशान भी नहीं है इसमें। मक्खन कहाँ से डालो भाई साहब, यहाँ गांव में खाने का दाम बहुत कम है, थोड़ा भी दाम बढ़ाओ तो लोग खाने से ही मना कर देते हैं। ये सब बहाने हैं, साफ बात है भाई, खाने में स्वाद तो माल मसाले से ही आता है, अगर वही नहीं डालोगे तो फिर तुम्हारे ढाबे पर आने का क्या फायदा, सादी दाल तो घर में भी खाने को मिल जाती है। नीरज मजबूर था, वो चाहकर भी अपनी लागत को नहीं बढ़ा सकता था, क्योंकि उसके लिए उसके पास पैसे ही नहीं थे। अरे नीरज, क्या हुआ बेटा, क्या बोल रहा था वो आदमी? बस माँ, और क्या बोलेगा, दाल मखनी में मक्खन ढूंढ रहा था, नहीं मिला तो नाराज हो गया, लगता है अब फिर कभी अपने ढाबे पर खाने नहीं आएगा। नहीं आता है ना आए, भाड़ में जाए, तू अपना दिल छोटा मत कर बेटा, ये गांव के लोग हैं ही ऐसे, हर कोई उधार खा कर जाता है, ऊपर से इन्हें दाल में मक्खन भी चाहिए। नहीं माँ, लोग जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, पर हम ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते, वरना हमारा ढाबा बंद हो जाएगा। नीरज के चेहरे पर हताशा और मायूसी साफ दिख रही थी, साथ ही चिंता भी।
उसकी माँ लीला भी उदास होकर अपनी बहन से मिलने उसके घर चली गई, क्योंकि उसके पास भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं था। लेकिन वहाँ कोई था जो सही मायने में नीरज और लीला की मदद कर सकता था। ये दोनों कितने परेशान हैं, और नीरज तो मेरे जादू के बारे में जानता भी है, लेकिन फिर भी इसने मुझसे मदद नहीं मांगी। इतनी परेशानी में भी इन दोनों ने मेरी मदद की, तो मुझे तो इनकी मदद करनी ही होगी। नीलम परी के पंख अब बिल्कुल ठीक थे, वो परीलोक वापस जा सकती थी, लेकिन उससे पहले उसने नीरज की मदद करने का फैसला किया। तो ये है वो दाल मखनी, ठीक है, तो ये गया इसमें ढेर सारा मक्खन। बस इतना काफी नहीं है, मुझे कुछ और भी करना चाहिए। नीलम परी ने उस दाल मखनी के बर्तन पर अपना जादू कर दिया और फिर वहां से चुपचाप वापस अपने परीलोक चली गई। फिर कुछ देर बाद, अरे भाई कोई है क्या यहाँ, खाना मिलेगा क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं साहब, आइए बैठिए, दाल मखनी और रोटी बिल्कुल तैयार है, बस मैं अभी लेके आया। नीरज खाना लेने ढाबे के अंदर गया। उसने जैसे ही दाल निकालने के लिए भगोना खोला तो दाल के ऊपर ढेर सारे मक्खन को तैरता हुआ देखकर हैरान रह गया। ये इतना सारा मक्खन, लगता है माँ ने डाला होगा, पर वो इतना सारा मक्खन लाई कहाँ से? चलो बाद में पूछ लूंगा, फिलहाल खाना लेकर जाता हूँ बाहर। नीरज खुशी खुशी वो ढेर सारे मक्खन वाली दाल मखनी और गर्मा गर्म रोटियां लेकर ग्राहक के पास गया, जिसे खाते ही ग्राहक का चेहरा खिल उठा। भाई वाह है, सच में मजा आ गया भाई, मैंने शहर से एक होटल की दाल मखनी खाई है, पर इतना मक्खन तो कोई भी नहीं डालता भाई, और तुम इतने कम दाम में इतना मक्खन डाल रहे हो, मानना पड़ेगा भाई, मानना पड़ेगा, और ये भी कहना पड़ेगा कि तुम्हारी दाल मखनी का स्वाद भी बहुत बढ़िया है। शुक्रिया साहब, मुझे खुशी है कि आपको मेरा खाना पसंद आया। ये बढ़िया है, तो पसंद तो आनी ही है। मैं ऐसा करता हूँ, तुम्हारे पास और ग्राहक भेजता हूँ, मेरे साथ और भी लोग शहर से आए हैं, वो तालाब के पास जो फैक्ट्री का काम चल रहा है ना, हम सब उसी के सिलसिले में यहाँ आए हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी ये दाल मखनी सभी को पसंद आएगी। हाँ तुम तैयार रहो, मैं बस अभी भेजता हूँ उन्हें, और हाँ उनके आने से पहले जरा दाम भी बढ़ा लो, स्वाद के हिसाब से खाने का दाम बहुत ही कम है यहाँ भैया। हाँ। इतना कहकर वो आदमी वहां से चला गया। जो कुछ हो रहा था नीरज का उस पर विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी उसने होश संभाला और फटाफट रसोई में जाकर काम में लग गया। ऐसा करता हूँ, फटाफट और रोटियां बना लेता हूँ, दाल तो शायद काफी होगी। नीरज ने ऐसा ही किया। कुछ ही देर में उसके ढाबे के बाहर ग्राहकों की भीड़ जमा हो गई। नीरज ने फटाफट सभी को दाल मखनी के साथ गर्मा गर्म रोटियां परोसी और सभी ने बड़े ही चाव से खाना खाया। सारा दिन यही सब चलता रहा, बावजूद इसके कि नीरज ने दाल मखनी का दाम पहले से ज्यादा कर दिया था। लोगों ने भरपेट खाया और उसका दाम भी चुकाया। फिर शाम के वक्त लीला जब वापस आई तो ढाबे का हाल देखकर चौंक गई। अरे नीरज, इतने सारे बर्तन, और मैंने बाहर देखा तूने दाल मखनी का दाम बढ़ा दिया है। नीरज लीला को सारी बात बताता है। ये तो बड़े कमाल की बात है, पर बेटा दाल मखनी में मक्खन मैंने तो नहीं डाला, तो फिर वो आया कहां से? ये बात तो मुझे भी परेशान कर रही माँ। खैर ये सब बाद में सोचेंगे, अभी मुझे ये बता कि थोड़ी बहुत दाल बची है कि नहीं, वरना मैं जल्दी से कुछ और बना देती हूँ, बेचारी नीलम को भी तो भूख लगी होगी ना। मैं दाल का भगोना खोलकर देखता हूँ माँ, आज बहुत ग्राहक थे तो शायद ही दाल बची हो। नीरज ने दाल का भगोना खोलकर देखा तो एक बार फिर हैरान रह गया, क्योंकि दाल का भगोना दाल से पूरी तरह से भरा हुआ था। माँ ये तो पूरा भरा हुआ है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? हैं? ये तो चमत्कार है बेटा, अब जा जल्दी से जाकर नीलम को बुला ला, मैं गरम रोटियां बना रही हूँ, तुम दोनों साथ बैठकर खा लेना। नीरज को बात कुछ कुछ तो समझ आ रही थी, लेकिन जब नीलम परी उसके कमरे में नहीं मिली तो उसे पूरा यकीन हो गया कि उसकी सीधी साधी दाल मखनी को जादुई दाल मखनी बनाने वाली और कोई नहीं बल्कि नीलम ही थी, जो अब वापस परीलोक जा चुकी थी। नीरज क्या हुआ बेटा, नीलम कहाँ है? वहीं जहाँ उसे होना चाहिए माँ, चलो हम मिलकर दाल मखनी खाते हैं और सबको खिलाते हैं। अब ना तो नीरज को दाल मखनी बनाने के लिए कभी कोई लागत लगानी थी और ना ही हर रोज उसे खुद पकाना था, क्योंकि नीलम परी के जादू के असर से दाल मखनी का वो भगोना कभी खाली ही नहीं हुआ। उस जादुई दाल मखनी से नीरज ने न सिर्फ अच्छी कमाई करके अपने हालात बदले,
बल्कि उसने ना जाने कितने गरीबों का पेट भी मुफ्त में भरा। और ये देखकर सबसे ज्यादा खुश नीलम परी थी, जो परीलोक से हर वक्त बस नीरज को ही देखा करती थी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।